Are you tired of losing money in a stock market and want to learn how to manage risk properly like a professional trader? Then this video is for you. Namaskar dosto, main advocate Ayush Agarwal aur aap dekh rahe hain Smart Trading Academy. Agar abhi tak aap is channel pe new hain to is channel ko abhi subscribe kar lijiye and press the bell icon taki aane wali video ki notifications aapko timely milti rahe. आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसको हर कोई अवॉइड कर देता है। ट्रेडिंग तो सब करते हैं बट इस टॉपिक के बगैर ट्रेडिंग पूरी तरह अधूरी है। वो है रिस्क मैनेजमेंट इन स्टॉक मार्केट एंड कमोडिटी ट्रेडिंग। मार्केट में ट्रेडिंग करते वक्त रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके ट्रेडिंग जर्नी में आपके लॉस को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही हेल्प करता है। इसलिए इस वीडियो में हम इस टॉपिक के बारे में बहुत ही डिटेलिंग में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट, ट्रेडिंग प्लान बनाएं। अपने ट्रेडिंग जर्नी को बेटर मैनेज करने के लिए आपको एक ट्रेडिंग प्लान बनाकर उस पर स्टिक करना चाहिए। इससे आपको अपने ट्रेड्स को बेटर मैनेज करने में हेल्प मिलेगी और आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर टू पॉइंट है इमोशंस को कंट्रोल करें। ट्रेडिंग के टाइम पे इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फियर और ग्रीड जैसे इमोशंस आपको अपने ट्रेड्स के लिए गलत डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकते हैं। इसलिए आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहिए और अपने ट्रेड्स के लिए केवल लॉजिकल डिसीजन लेना चाहिए और उन्हीं लॉजिकल ट्रेड पे ट्रेड करना चाहिए। इमोशंस के बहाव में आके बिल्कुल भी ट्रेडिंग ना करें। नंबर थ्री पॉइंट है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को कंसिडर करना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको अपने ट्रेड्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2, 1:3 इसी के बीच में रखना चाहिए। ऐसा ना हो रिस्क आपका 100 रुपए का है और रिवॉर्ड आप लेके चल रहे हैं 50 रुपए का। ऐसा कदापि ना करें, तो इससे आपको अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को मैनेज करने में, कंट्रोल करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। नंबर फोर्थ पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। इसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। पोजीशन साइज बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो के रिस्क को कंट्रोल करने में बहुत ही हेल्प करता है। आपको अपने पोजीशन साइज को अपने पोर्टफोलियो के साइज के ही अकॉर्डिंग रखना चाहिए और अपने ट्रेड्स के लिए लिमिट सेट करना चाहिए। नंबर फिफ्थ पॉइंट है स्टॉप लॉस जो आप नहीं लगाते। स्टॉप लॉस बना ही लॉस को लिमिट करने के लिए है। स्टॉप लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके ट्रेड को एग्जिट करने में हेल्प करता है। जब मार्केट आपके अगेंस्ट में मूव करती है तो आपको अपने ट्रेड्स के लिए स्टॉप लॉस सेट करना चाहिए और उस पर स्टिक रहना चाहिए। और प्रॉफिट्स में जा रही हो आपकी ट्रेड, स्टॉप लॉस का यूज तब भी कर सकते हैं एज ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। वो आपके रिस्क मैनेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपका प्रॉफिट आ रहा हो। नंबर सिक्स पॉइंट है डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके पोर्टफोलियो रिस्क को रिड्यूस करता है। आपको अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स, निफ्टी ईटीएफ जैसे निफ्टी 20 और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईटीएफ, गोल्ड, ऑयल को इंक्लूड करना चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ऐसा ना हो केवल एक स्टॉक में आपने अपनी सारी पूंजी लगा दी और वही स्टॉक डूब गया, तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें। नंबर सेवेंथ पॉइंट है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग को अवॉइड करें आप। ओवर ट्रेडिंग की वजह से भी आप अपने पोर्टफोलियो के रिस्क को बढ़ा सकते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल अवॉइड करें। अपने ट्रेड्स को बेटर मैनेज करने के लिए अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग ही ट्रेड लेना चाहिए और ओवर ट्रेडिंग से बचना चाहिए। नंबर एट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कीप लर्निंग एंड इम्प्रूविंग। लर्निंग कभी भी समाप्त नहीं होती चाहे आप एजेड हो जाए। ट्रेडिंग में लर्निंग का, इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। आपको ट्रेडिंग स्किल्स को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को भी अपडेट करते रहना चाहिए। इससे आप अपने ट्रेड्स के लिए बेटर डिसीजन ले सकते हैं और अपने रिस्क को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए। तो ये था रिस्क मैनेजमेंट इन स्टॉक ट्रेडिंग के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो। तो इस वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक पर बहुत कुछ कवर करने की कोशिश मैंने यहाँ पे की है और आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।